सफर-ए-इश्क ऐसे ही चलता जाए और इतने लोग मिले कि पूरे भारत में ये बढ़ता जाए। एक और शुरू करने से पहले बोलूंगा शेर कि घर से चला था तो लगा सपनों में हूं। घर से चला था, यही ब्यास से आया हूं, घर से चला था तो लगा कि सपनों में हूं और आज यहां आया हूं तो लगा कि अपनों में हूं। क्या बात है, क्या बात है, आप लोगों ने पूरा किया, दिल खुश हो गया। एक और बोलूंगा कि भूखा हूं कुछ तो खिला दो यारों, भूखा हूं कुछ तो खिला दो यारों और मेरे लिए थोड़ी तालियां बजा दो यारों। पचास प्रतिशत को हमने सदियों से महत्व नहीं दिया। आपको पता होगा या शायद नहीं याद होगा, गार्गी मदालसा जैसी महान नारियां हमारे भारत में हुई है, जब हम उनको महत्व देते थे तब हम विश्व गुरु थे। आज हमने महत्व नहीं दिया तो गुलाम हो गए, महत्व देना शुरू किया है लेकिन आज की परिस्थिति क्या है, बेटियों की स्थिति क्या है, उस पर चार पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यदि आपकी भावनाएं उससे जुड़े तो अपना आशीर्वाद जरूर देना, हौसला बढ़ेगा मेरा। सुनिए, आनंद आ रहा है कि आप लोग चुप हैं, कि अपने सभी बेटों की मां होती हैं बेटियां, अपने सभी मां बेटों की मां होती हैं बेटियां, फिर बेटी पैदा करके क्यों रोती हैं बेटियां, फिर बेटी पैदा करके क्यों रोती हैं बेटियां, घर से निकलती सोचती अनेक बार है, घर से निकलती सोचती अनेक बार है कि अपने गली में भी क्यों होती वो शिकार है, अपने गली में भी क्यों होती वो शिकार है। प्रतिदिन की खबर है ये। फिर भी हर एक कार्य में प्रखर हैं बेटियां, फिर भी हर एक कार्य में प्रखर हैं बेटियां, और माँ बाप के हर गीत सुंदर स्वर हैं बेटियां। आज जो बेटियां आई हैं अपने अपने माँ बाप का सपना लेकर आई हैं कि माँ बाप के हर गीत सुंदर स्वर हैं बेटियां। इन बेटियों के लिए आज का जो हम देखते हैं हालात क्या है कि बेटे रुला दे तो हंसाती हैं ये बेटियां, बेटे रुला दे तो हंसाती हैं ये बेटियां, और यदि रूठ जाए तो मनाती हैं ये बेटियां, यदि रूठ जाए तो। मेरी एक छोटी सी बेटी है, ये लाइनें मैंने उसी लिया है कि यदि रूठ जाए तो मनाती हैं ये बेटियां। एक बेटी ये कैफे चला रही है, आनंद है कि खुद रह के भूखे सबको खिलाती हैं बेटियां, और दुख दर्द में भागी हुई आती हैं बेटियां, दुख दर्द में भागी हुई आती हैं बेटियां। ब्रह्मा महेश, मैं पुराणों की तरफ जा रहा हूं, कि ब्रह्मा महेश विष्णु को गोदी में खिलाती और कौशल्या माया यशोदा बन दूध पिलाती, कि बन गोपियां भगवान को माखन है खिलाती, बस छाछ पिला के प्रभु को नाच नचाती। क्या नहीं है इन बेटियों में कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी लांघ जाती हैं बचेंद्री पाल, कि दुनिया की गरीब घर की लड़की थी, कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी लांघ जाती हैं, और तलवार भी चलाती हैं लोरी भी, तलवार भी चलाती हैं लोरी भी गाती हैं, तलवार भी चलाती हैं लोरी भी गाती हैं। ये बेटियां हैं
ये बेटियां हैं अम्बरीश के कलम की धार, और फिर से समाज कब करेगा तू इन्हें, फिर से समाज कब करेगा तू इन्हें। बहुत धन्यवाद।